फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गाइस, मैं आज आपके लिए बुक और आर्थर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन ये, पुस्तक कर्म योद्धा किसके जीवन पर आधारित है? फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद और ऑप्शन नंबर डी शशि थरूर। फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए कि इन चारों में से कर्मयोद्धा किसके जीवन पर आधारित है। चलिए फ्रेंड, सोचिए। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। ठीक फ्रेंड, पुस्तक कर्मयोद्धा याद रहेगा फ्रेंड। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता, इसका विमोचन किसने किया था? फ्रेंड, तो इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह, ठीक फ्रेंड, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। ठीक फ्रेंड, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा, कर्मयोद्धा, ठीक, जिसकी नरेंद्र मोदी जी की जीवन पर आधारित है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन के लेखक कौन है? फ्रेंड, सोचिए। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र तोमर, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी स्मृति ईरानी। फ्रेंड, ये दी गई है आपको बुक, इसको सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ द चेंज। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसका सही जवाब। फ्रेंड, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक फ्रेंड, ई स्मृति ईरानी, ठीक, याद रहेगा फ्रेंड, क्रॉनिकल ऑफ द चेंज चैंपियन, ठीक, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए फ्रेंड, पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ द चेन चैंपियन के लेखक। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? द इंडिया वे स्ट्रेटजीज ऑफ एन सर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए सुब्रत जयशंकर, या फिर ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी अमित शाह, या फिर ऑप्शन नंबर डी मनोहर लाल खट्टर। चलिए फ्रेंड, सोचिए। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज ऑफ एन सर्टेन वर्ल्ड। चलिए फ्रेंड, इसको याद करिए, सुब्रमण जयशंकर हैं, नितिन गडकरी हैं, या फिर अमित शाह, या फिर मनोहर लाल खट्टर। तो चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर वन, या फिर ए सुब्रत जयशंकर, ठीक फ्रेंड, इसके राइटर हैं। ठीक फ्रेंड, ये याद रखना है, द इंडिया वे स्ट्रीट ऑफ सर्टेन वर्ड, सर्टेन अनिश्चित, ठीक फ्रेंड, वर्ड, इसको ध्यान रखिएगा ऐसे करके, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। When the Chief Fell in Love नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय, या फिर ऑप्शन नंबर बी कमल हासन, या ऑप्शन नंबर सी तुहिन सिन्हा, या फिर ऑप्शन नंबर डी शत्रुघ्न सिन्हा। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए, When the Chief Fell in Love नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर ए सही है या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड सोचिए, विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, तुहिन सिन्हा। व्हेन द चीफ फेल इन लव, तुहिन सिन्हा। फेल इन लव ऐसे याद रख सकते हैं आप, फेल इन लव तुहिन सिन्हा। ठीक फ्रेंड, फेल इन लव कौन? तुहिन सिन्हा। ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? फ्रेंड क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी रवि किशन, ऑप्शन नंबर सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र सहवाग। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, पढ़ा होगा आपने, काफी सिंपल है। चलिए फ्रेंड, सोच लिया होगा आपने। चलो फ्रेंड, इसका जवाब देख, तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी सौरभ गांगुली इसका सही जवाब है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ठीक याद रखिएगा, पर्याप्त सेंचुरी नहीं। सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई, वीरेंद्र सहवाग ने भी, लेकिन इन्होंने पर्याप्त सेंचुरी नहीं बनाई, तो इसीलिए इन्होंने पुस्तक लिख दी ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक फ्रेंड, ऐसे याद रखिएगा, पर्याप्त सेंचुरी नहीं मार पाए सौरभ गांगुली, तो इनकी पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक, चलो फ्रेंड अगला क्वेश्चन। अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फॉर निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? फ्रेंड अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फॉर निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी मारिया शारापोवा, ऑप्शन नंबर सी रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर डी सेरेना विलियम्स। फ्रेंड विचार कीजिए, चारों के चारों टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि बहुत फेमस हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, मारिया शारापोवा रसिया की थी, और रोजर फेडरर चलिए फ्रेंड कहाँ गए हैं? स्विट्जरलैंड के, और सेरेना विलियम्स अमेरिका के। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड, तो इसका सही जवाब देखिए फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी मारिया शारापोवा। ठीक फ्रेंड, इन्होंने अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फार पुस्तक संबंधित की। ठीक फ्रेंड, इनसे संबंधित है, याद रहेगा फ्रेंड। चलो फ्रेंड अगला क्वेश्चन। रणजी एंड द म्यूजिक मेकर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर टू मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी कर्नल वी के पुरी, या फिर ऑप्शन नंबर फोर शिवराज सिंह चौहान। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है इनमें से, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री, या फिर ऑप्शन नंबर फोर। चलिए फ्रेंड सोचिए, सोच लिया होगा फ्रेंड, अब इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर थ्री कर्नल बी के पुरी। ठीक, रणजी एंड द म्यूजिक मेकर के लेखक कर्नल बी के पुरी थे। हाँ ठीक फ्रेंड, याद रहेगा रणजी एंड द म्यूजिक कौन? म्यूजिक मेकर कौन? कर्नल बी के पुरी म्यूजिक मेकर, ऐसे याद रखिएगा इसका, म्यूजिक मेकर कर्नल बी के पुरी। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। फिगर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस के लेखक कौन है? फ्रेंड क्वेश्चन यह है, फियर ट्रंप इन द व्हाइट हाउस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए या वन डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर टू हेनरी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर थ्री बॉब वुडवर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर फोर रस्किन बॉन्ड। चलिए फ्रेंड सोचिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है इसका। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर थ्री बॉब वुडवर्ड।
फियर ट्रंप इन वाइट हाउस। चलिए फ्रेंड इसको याद करने का तरीका देख लीजिए, ट्रंप प्रेसिडेंट है ठीक, तो उनसे क्या सब डरते हैं, तो वर्ल्ड भी उनसे डरती हैं ठीक, यानी कि वुडवर्ड, बॉब वुडवर्ड। ठीक फ्रेंड याद रखिएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, डेमोक्रेसी ऑन द रोड के लेखक हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर वन खुशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर टू रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर थ्री शशि थरू, ऑप्शन नंबर फोर रुचिर शर्मा। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए कि कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू या फिर ऑप्शन नंबर थ्री, डेमोक्रेसी ऑन द रोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसकी है चलिए फ्रेंड सोचिए, फ्रेंड सोच लिया होगा फ्रेंड, इसका जवाब देखिए। तो फ्रेंड इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, कौन सा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर फोर रुचिर शर्मा। ठीक फ्रेंड डेमोक्रेसी ऑन द रोड किसकी, रुचिर शर्मा, डेमोक्रेसी रोड पे किसके लिए, रुचिर शर्मा के लिए। ठीक फ्रेंड रुचिर शर्मा के लिए डेमोक्रेसी रोड, ऐसे याद कर लीजिए, डेमोक्रेसी ऑन द रोड के लेखक रुचिर शर्मा। ठीक फ्रेंड किसके लिए डेमोक्रेसी रोड, रुचिर शर्मा के लिए। ठीक चले फ्रेंड ऐसे याद कर लीजिएगा इसको, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इंडिया पॉजिटिव के लेखक कौन है। चलिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर वन विक्रम संपत, ऑप्शन नंबर बी तरुण विजय, या फिर ऑप्शन नंबर सी नवीन चावला, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए इंडिया पॉजिटिव के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर वन विक्रम संपत, ऑप्शन नंबर बी तरुण विजय, ऑप्शन नंबर सी नवीन चावला, या फिर ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। चलो फ्रेंड इसका सही जवाब देखिए, तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, कौन सा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी चेतन भगत। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है चेतन भगत। ठीक तो ये क्या इंडिया के लिए पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं चेतन भगत, तो इन्होंने इंडिया पॉजिटिव नामक पुस्तक लिख दी, ऐसे याद कर लीजिए फ्रेंड, इनके बहुत चेतना है इसलिए ये पॉजिटिव हैं, तो इन्होंने इंडिया पॉजिटिव पुस्तक लिख दी, याद रहेगा फ्रेंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है फ्रेंड। माइंड मास्टर ठीक फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ऑप्शन नंबर ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, या फिर ऑप्शन नंबर सी मनदीप सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ आनंद। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए माइंड मास्टर, चलिए फ्रेंड सोचिए, पहले सोच लीजिए आप, चलिए फ्रेंड सोच लिया, अब इसका जवाब देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ आनंद। ठीक फ्रेंड ये क्या खेलते हैं, ये चेस खेलते हैं, चेस में क्या बहुत ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता होती है। ठीक फ्रेंड और बाकी खेलों में इतना नहीं जितना कि चेस में, तो इन्होंने क्या माइंड, इनको क्या माइंड यूज़ करना पड़ता है, तो ये क्या है माइंड मास्टर। ठीक फ्रेंड ये क्या है माइंड मास्टर, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, माइंड मास्टर, क्योंकि इनको माइंड यूज़ करना पड़ता, तो इन्होंने माइंड का यूज़ करके मास्टर बन गए, तो माइंड मास्टर बुक लिख दी, ऐसे याद कर लीजिएगा माइंड मास्टर बुक विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक विश्वनाथ आनंद। ठीक फ्रेंड अगला क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है। चलिए फ्रेंड सोचिए विचार कीजिए, ऑप्शन नंबर वन शशि थरूर, ऑप्शन नंबर टू कपिल सिब्बल, ऑप्शन नंबर थ्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर फोर वीके सिंह। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, चलिए फ्रेंड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन है।
चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा इसका सही जवाब। देखिए फ्रेंड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 1 शशि थरूर। थरूर ठीक फ्रेंड, इसका सही जवाब शशि थरूर। ठीक फ्रेंड, क्या डार्कनेस, शशि थरूर डार्कनेस है इनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार नहीं है, इनकी पार्टी की सरकार। ठीक फ्रेंड, तो इनकी लाइफ में क्या है? डार्कनेस है। तो इन्होंने क्या लिखी? एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्योंकि ये सत्ता से दूर है, कांग्रेस पार्टी है नहीं, तो ये क्या डार्कनेस है इनकी लाइफ। ठीक फ्रेंड, इसलिए शशि थरूर, याद रखिएगा डार्कनेस किसकी लाइफ में? शशि थरूर की लाइफ में। तो इन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस लिख दी। ठीक फ्रेंड, ऐसे याद कर लीजिएगा समझने के लिए है, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? फ्रेंड सोचिए, इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए तरुण विजय, ऑप्शन नंबर बी सविता छाबड़ा, ऑप्शन नंबर डी हरिओम, या फिर ऑप्शन नंबर सी मलकानी। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। फ्रेंड चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा इसका सही जवाब। फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, कौन सा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए तरुण विजय। ठीक फ्रेंड, क्या तरुण विजय? ठीक फ्रेंड, इनविंसिबल हो गए अजय। ठीक फ्रेंड, और किसको? मनोहर पर्रिकर, तो उसको किसने लिखा? तरुण विजय ने। ठीक फ्रेंड, अजय कौन? इनविंसिबल मतलब अजय। ठीक, और कौन हो गए वो? मनोहर पर्रिकर, तो उसको किसने लिखा? तरुण विजय। ठीक, विजय ने, तरुण विजय ने। चलो फ्रेंड क्लियर हो गया होगा, याद हो जाएगा आपको। ऐसे अगले क्वेश्चन में चलते फ्रेंड। लीजेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए तरुण विजय, ऑप्शन नंबर बी विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, या फिर ऑप्शन नंबर डी सविता छाबड़ा। चलिए फ्रेंड लीगेसी, चलिए फ्रेंड सोचिए, सोच लिया फ्रेंड इसका सही जवाब। देखते हैं इसका सही जवाब फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सविता छाबड़ा, लीगेसी ऑफ लर्निंग। ठीक फ्रेंड, किसकी? लीगेसी ऑफ लर्निंग। ठीक, सविता छाबड़ा। ठीक, याद रहेगा फ्रेंड लीगेसी किसकी है? लीगेसी मतलब पैतृक संपत्ति एक प्रकार से, ठीक, जो पूर्वजों से मिलती है। ठीक फ्रेंड, लीगेसी और किसको मिली? सविता छाबड़ा को। किसको? लर्निंग की लीगेसी सविता छाबड़ा को मिली, याद रखिएगा फ्रेंड। ऐसे अगला क्वेश्चन, माय लाइफ माय मिशन किसकी पुस्तक है? फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए नवीन चावला, ऑप्शन नंबर बी बाबा रामदेव, ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिन्हा। चलो फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए, माय लाइफ और माय मिशन। ऑप्शन नंबर ए नवीन चावला, ऑप्शन नंबर बी बाबा रामदेव, या फिर ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर, या फिर ऑप्शन नंबर डी खुशवंत सिंह। चलो फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी बाबा रामदेव। ठीक फ्रेंड, माय लाइफ माय मिशन, बाबा रामदेव का क्या मिशन? योग करना और करवाना, ये उनका लाइफ का मिशन है। तो फिर माय लाइफ माय मिशन किसकी? बाबा रामदेव, वो योगी तो करते हैं, अब दूसरों को भी योग करवाते हैं, तो उनकी लाइफ का यही मिशन है, माय लाइफ माय मिशन बाबा रामदेव। बस ऐसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड, बहुत सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं है, माय लाइफ माय मिशन बाबा रामदेव। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, इकबॉक के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड क्वेश्चन है इकबॉक, ऑप्शन नंबर ए
मिशेल ओबामा, ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप, या फिर ऑप्शन नंबर सी जेके रोलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी बराक ओबामा। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सही हो सकता है। चलो फ्रेंड सोच लिया होगा इसका सही जवाब, देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी एक ब्लॉग के लेखक जेके रोलिंग है, ठीक फ्रेंड। ये एक महिला है, ठीक फ्रेंड, जेके रोलिंग, और इन्होंने हैरी पॉटर नामक फेमस, आपने देखी होगी ना हैरी पॉटर मूवी, वो इन्हीं की है, इन्हीं का एक नॉवल है उसी पे बनी है, जेके रोलिंग की, ठीक फ्रेंड। याद रखिएगा एक अबॉक के भी लेखिका कौन है, तो एक अबॉक की लेखिका जेके रोलिंग है, ठीक फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, सावरकर स्टोरीज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट के लेखक कौन है। फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए विक्रम संबत, ऑप्शन नंबर बी तरुण विजय, ऑप्शन नंबर सी हरिओम। फ्रेंड तीन विकल्प हैं, इन्हें तीनों में से एक सही है, सोचिए कौन सा सही हो सकता है। सावरकर, चलिए फ्रेंड सोचिए, चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा आपने इसका सही जवाब, देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विक्रम संपत, ठीक फ्रेंड। सावरकर, सावरकर क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पराक्रम था, तो इसको किसने लिखा, विक्रम संपत ने, ठीक फ्रेंड। इन्होंने स्वतंत्रता में बहुत ज़्यादा रोल निभाया था भारत की, चलिए फ्रेंड इसलिए सावरकर को बीजे विक्रम संबत ने लिखा, ठीक फ्रेंड ऐसे याद कर लीजिए। सावरकर इको चौक फ्रॉम वे फॉरगॉटन पास्ट के लेखक कौन, विक्रम संबत, ठीक फ्रेंड याद रहेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, माय एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए अमित चावला, ऑप्शन नंबर बी आशीष राय, ऑप्शन नंबर सी भालचंद्र मुंगेकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मीनाक्षी लेखी। चलिए फ्रेंड विचार कीजिए माय एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, चलिए फ्रेंड इसका सही जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक भालचंद्र मुंगेकर, ठीक फ्रेंड माय एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, ठीक पार्लियामेंट में इनका एनकाउंटर हो गया, इसको ऐसे याद रखिए कहाँ पे, भाल भाल मतलब मत्थे पर, ठीक इनके गोली लगी और इनका एनकाउंटर हो गया, तो किसका, भाल, भाल का एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, ठीक फ्रेंड। तो इनसे क्या निकलेगा, भालचंद्र मुंगेकर, ऐसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक भाल, एनकाउंटर, एनकाउंटर जहाँ देखेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, भाल अर्थात मत्था, ठीक एनकाउंटर हो गया इनका, तो माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक भालचंद मुंगेकर थे, ठीक फ्रेंड। चलो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में कोई ना कोई बुक पूछी जाती फ्रेंड, अभी ये एक पार्ट है, इसके आगे भी एक दो पार्ट और मैं लाऊंगा अच्छे से अच्छे की बुकें। तो फ्रेंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।